बरखा के मुंह पर अब पड़ेगा अनुपमा का करारा थप्पड़। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि आज तो बरखा ने ऐसा किया ही नहीं है, तो बरखा की वीडियो क्यों? दोस्तों, बरखा कुछ नहीं करती है ये तो पक्की बात है, मगर बहुत कुछ ना करने में कर जाती है। आज बरखा पाखी को कैसे बोल रही थी, कैसे पाखी से बात कर रही थी। बरखा तो ये जानती भी नहीं है कि अनुपमा आगे क्या करने वाली है, जिससे बरखा की पूरी सल्तनत हिल जाएगी। चलिए चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। इस समय बरखा क्या के दो चैलेंजेस है दोस्तों। पहला चैलेंज, पाखी और अधिक की शादी ना टूटे ताकि हम इस घर में बने रहें और मेरे भाई को घर से बाहर ना निकाले अनुज। तो ये चैलेंज तो वो देख रही है कि अधिक बहुत अच्छे से संभाल रहा है, और वो भी उसमें पाखी को बकअप कर रही है कि वाह पाखी, ओके पाखी, गोइंग पाखी, ये वो सब कर रही है, पैम्परिंग कर रही है पाखी की। उसको लग रहा है कि मैंने अब सब कुछ संभाल लिया और रोमिल तो मैं कल बाहर निकाल दो। और रोमिल को तो जैसे उसने देख लिया है कि ये तो ऐसा है जिसको कोई सुधार नहीं सकता है, और अनुज को तो रोमिल पसंद नहीं है, क्योंकि बरखा ने नहीं देखे है वो सीन जिसमें अनुज और अनुपमा रोमिल से मिले, या उनके आपस में जो बातें हुई हैं अनुज और अनुपमा की रोमिल के बारे में, और जो अनुपमा ने कहा है कि मैं रोमिल की मां बनूंगी। तो ये सारी बातें बरखा को नहीं पता है। बरखा को रोमिल के आने का सबसे ज्यादा जो गम था वो ये था कि कहीं ये भी जायदाद में हिस्सा ना मांग ले, क्योंकि अंकुश का बेटा है। अंकुश का बेटा है मतलब अनुज का तो भतीजा हुआ ना, तो ये तो पक्का जायदाद में हिस्सा मांगेगा। बरखा को तो यही टेंशन थी, इसलिए जोर जोर से आवाजें कर रही थी, जोर जोर से रो रही थी, जोर जोर से बोल रही थी कि इसको बाहर निकालो, नाजायज बच्चा है, ये वो सब बहुत बोली बरखा। अनुपमा नहीं बोली। अनुपमा ने जब फैसला सुनाया, अनुज ने जब फैसला सुनाया, तो रोमिल घर में ही रह गया। बरखा को यहां पे भी सदमा लगा, मगर बरखा की कोशिश जारी रही। तो उसके बाद अनुज और जो रोमिल के बीच में हुआ जो डांट वाले सीन हुए, उससे बरखा को बड़ा बल मिला कि ये तो बहुत अच्छा हो गया, अब तो ये रोमिल दो चार दिन का ही मेहमान है। मगर अब दोस्तों यही मेहमान जो घर के अंदर बरखा के लिए मेहमान है, अनुज और अनुपमा की जान बनेगा, क्योंकि जिस तरह से रोमिल का ट्रैक बढ़ रहा है, जिस तरह से रोमिल के बारे में अनुज और अनुपमा सोच रहे हैं, और रोमिल उनके लिए जो कर रहा है, जो भी उनके लिए कर रहा है अभी फिलहाल के लिए, वो भी बड़ी बात है रोमिल के लिए, क्योंकि रोमिल जहां से आया है वहां पे ये परिवार नहीं होते हैं। ये पूरा का पूरा डाइनिंग टेबल जो हमने देखा सजा हुआ, उसमें रोमिल किनकी तरफ था? रोमिल को पाखी के लिए बुरा लग रहा था, रोमिल अनुज और अनुपमा की आंख की शर्म कर रहा था, उनकी तरफ देखता था फिर चुप करके बैठ जाता था, ये सब हमने नोटिस किया, जिससे कि एक इक्वेशन रोमिल के माइंड की इक्वेशन सामने आ गई कि उसको दुश्मनों में और दोस्तों में फर्क पता लगना शुरू हो गया है इसी घर में। यहीं से शुरुआत होती है सुधारने की। तो अनुपमा अब रोमिल को सुधार रही है। आप सोचिए जो सिगरेट वाली बात हुई, जहां पे अनुपमा ने वो सिगरेट का पैकेट देखा और रोमिल को कहा, बताया रोमिल को कि क्या बुरा है, अपने तरीके से रोमिल को समझाया। अगर बरखा होती तो वो क्या करती, भवाल करती पूरा। एक तो ये कि अरे बाप रे सिगरेट पीता है, घर में छोटी है, ये है वो है, सिगरेट पीना हो, बाप रे ये तो बहुत खराब लड़का है, इसको तो घर से निकालो, ये तो सबको खराब कर देगा, वगैरह वगैरह। मगर अनुपमा ने क्या किया, अनुपमा ने उसी चीज को लेके रोमिल को इतने अच्छे तरीके से बताया कि जो बाहर टीवी देख रहा होगा उसको भी समझ में आएगा कि सिगरेट पीना कितना हानिकारक है, और चिल होना क्या होता है, कूल होना क्या होता है, और उसके टैलेंट को उभारा। तुम्हारे अंदर इतना टैलेंट है, संगीत है इतना अच्छा, सुनो अपने संगीत को, उसका नशा करो। तो ये सारी जो सीढ़ियां अनुपमा रोमिल की तरफ चढ़ रही है दोस्तों, इससे रोमिल जो है इस घर का सबसे प्यारा बेटा बनेगा, और जब ये होगा तो ये बड़ा तमाचा है बरखा के मुंह पे, क्योंकि तब अंकुश भी ये कहेगा कि तुम तो कभी मां बन ही नहीं सकती बरखा।
ना तुम सारा की मां बनी, ना तुम अधिक की मां बनी, और ना तुम रोमिल की मां तो कभी थी ही नहीं। अगर मां बनना सीखना है तो अनुपमा से सीखो। तो दोस्तों ये बड़ी बात है, क्योंकि बरखा ने सारा के साथ क्या किया आप सबने देखा। सारा एक अच्छी लड़की थी, होगी कहीं पे कभी आएगी, मगर सारा ने हमेशा अनुज और अनुपमा का साथ दिया, एक्सपोज नहीं किया क्योंकि मां का लिहाज किया और वहां से निकल गई। अधिक क्या था, अधिक अच्छा जा रहा था पाकी के साथ, मगर बरखा ने क्या किया, अधिक को अपनी तरफ मिलाया। जब ये सारा कुछ हो गया तो उसने अपनी तरफ अधिक को मिलाया, उनके अच्छे खासे घर में कलेश डलवा दिया। अधिक के साथ मिलकर साजिशें की और अधिक का वही रूप सामने लेके आ गया जो अधिक पहले था। बीच वाला जो सुधरा हुआ अधिक था बरखा ने बंद कर दिया। तो बरखा ने अपने भाई के घर को भी उजाड़ दिया। तो बरखा तो किसी की भी सगी नहीं है, तो मां तो बरखा किसी भी हालत में नहीं हो सकती, चाहे उसने बच्चा पैदा किया हो, मगर बच्चा पैदा करने से मां नहीं हो जाता है। तो ये जो चीजें हम देख रहे हैं, जब एक मां को देखेगी कि ऐसा बच्चा जिसको बरखा सोच रही थी ये तो घर से बाहर निकालने के ही लायक है, उस बच्चे का इतना सुधरा हुआ रूप जो अनुपमा की वजह से होगा, ये तमाचा होगा बरखा के मुंह पे। मगर तब भी बरखा यही सोचेगी कि ये तो क्या कर दिया अनुपमा ने, मेरे दुश्मन को जो जायदाद पे हिस्सा मांगने वाला उसको घर में इतना अच्छा बना दिया, और अंकुश को भी अपने वश में कर लिया, क्योंकि अंकुश रोमिल से बहुत प्यार करता है। वो चाहता है अपने गिल्ट में कि रोमिल का जो भविष्य है वो ठीक हो, और वो अनुपमा कर देगी। तो जब अंकुश बोलेगा बरखा को, और निकाल भी सकता है घर से, कुछ भी हो सकता है, तो तब बरखा को पता चलेगा कि क्या है अनुपमा, तो वही होगा बरखा के मुंह पे बड़ा तमाचा। दोस्तों मुझे तो ये सोच के भी अच्छा लग रहा है। आपका क्या कहना है इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.